फैमिली को कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, मैं अभी अभी एक वीडियो शूट करी हूँ जिसका सारा प्रोडक्ट यहाँ रखा हुआ है, और मैं सोचा तो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँ, तो मैं ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी हूँ। तो प्रोडक्ट ये क्या बोलते हैं, वीडियो शूट करी हूँ, वीडियो का सब यहीं कचरा पड़ा हुआ है और मुझे अब वीडियो को एडिट करना है और आज ही पब्लिश करना है। तो मैं आज अपना ब्लॉगिंग भी स्टार्ट करती हूँ। और बाहर का वेदर देखो, बहुत ही अच्छा हो गया है बाहर का वेदर, बारिश होने वाली है। मैं आप लोगों को दिखा, देखो बाहर का वेदर, बारिश होने वाली है, बहुत ही अच्छा सुनहरा सा वेदर हो गया है। देखिए बाहर का वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है और हवा भी इतनी अच्छी चल रही है ना, ये देखो। वैसे चलो मतलब वेदर का मजा लिया जाए, इसलिए मैं अपना ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दी हूँ। और यहाँ पानी गिर गया, थोड़ा सा मैं ना गिर जाऊँ। देखा कितना अच्छा मौसम हो गया है, आज मौसम बहुत अच्छा था, इसलिए मैं सोचा ब्लॉगिंग स्टार्ट किया जाए। तो ये जो वीडियो अभी शूट कर रही हूँ ना, इसको मुझे अभी एडिट करना है और अभी मुझे पब्लिश करना है, क्योंकि आज का डेट है और मैं लेट हो गई, कल मैं चली गई थी बाहर, इसलिए मैं वीडियो मतलब बना नहीं पाई और मुझे अभी अभी अर्जेंट में बनाना पड़ा है और इसको एडिट करना है और अभी पब्लिश करना है। तो मैं सोचा आप लोग से बातें भी करूँगी, साथ में काम भी करूँगी। तो लंच ये सब सब बन गया है, ब्रेकफास्ट ये सब हो गया है, काफ़ी टाइम हो रहा है तो लंच बन गया है। लंच करेंगे थोड़ी देर में, पहले मैं वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद मैं लंच करूंगी। तो चलिए मैं वीडियो एडिट करती हूँ, उसके बाद फिर बातें करती हूँ आप लोगों से। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ, क्योंकि आप लोगों से बातें ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ। और अभी लंच बाकी है, लंच नहीं हुआ है, लंच में बस कुछ बनाया कुछ नहीं बनाया। और वीडियो के चक्कर में ना, मैं वीडियो शूट करने के चक्कर में सब कुछ ऐसे ही छोड़ के गई थी। तो अभी सबको पहले मैं राइस बनने के लिए डाल दूंगी, उसके बाद फिर लंच करने के बाद मैं वीडियो एडिट करने के लिए बैठ जाऊंगी। तो चलिए मैं राइस बनने के लिए डाल देती हूँ, और चिकन ये सब बन चुका है, बस राइस बनना है। तो पहले राइस बना लूँ, उसके बाद फिर बातें करती हूँ। चलिए मैं तब तक कैमरा को यहाँ लगा देती हूँ, तो मैं फटाफट से राइस बना लूँगी, पहले खाना खा लूँगी। आज ना ये राइस को पानी में भी नहीं डालती थी, अभी मैं राइस पानी में नहीं डालूँगी क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, जो पानी में डालती थोड़ी उसको। तो मैं अभी राइस बना लूँगी, उसके बाद खाना खाने के बाद उसको वीडियो को एडिट करने बैठूंगी। तो ऐसे ही मैं आज ऐसे ही राइस बना लूंगी, क्योंकि अभी पानी में डालने का टाइम नहीं है, अगर पानी में डालूंगी तो लेट हो जाऊंगी लंच के लिए। सो गाइस, मेरे चैनल पे जो भी आप लोगों से न्यू हो, जो मुझे पहली बार देख रहे होंगे, अगर मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए या हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और साइड में जो दिया हुआ बेल आइकन है ना, उसको प्रेस करके रखना, ताकि फ्यूचर में जितना भी वीडियो अपलोड करो ना, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो गाइज, आज का वेदर ना बहुत ही अच्छा वेदर है, क्योंकि ना कभी गर्मी पड़ती है, कभी ठंड लगती है, अभी का वेदर का कुछ ठीक नहीं होता, कभी बारिश होती है, मतलब अभी का जो वेदर चल रहा है ना कुछ ठीक नहीं है, और तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही है यार इस मौसम में। तो इस बार गजब तरह का वेदर है यार, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाता है, कभी भी गर्मी हो जाती है, मतलब समझ नहीं आ रहा है। अभी भी इतनी गर्मी लगती है ना, और अभी रात को ठंड लगने लगती है, समझ नहीं आता है क्या मौसम हो गया है इस बार का। तो ऐसे वीडियो एडिट करने के चक्कर में, बनाने के चक्कर में मेरा सब काम फैला रहता है, कुछ भी मैं समेट नहीं पाती हूँ। तो जो भी कुछ है उस सबको समेट कभी रख दूंगी, उसके बाद मैं अपना काम करना स्टार्ट करूंगी, यार बहुत काम हो जाते हैं। तो गाइस, राइस बनने के लिए मैं डाल दी हूं, और इसमें चिकन है, ये देख रहे हो ना, ये चिकन है, मम्मी सुबह ही बना के रख दी थी। और ये जो ये अभी मतलब जैसे का तैसे ही किचन बना हुआ है सुबह से, ये देखो पूरी ऐसे ही ढका हुआ है इससे, आज किचन में बिल्कुल आई ही नहीं। जैसे ये खीर बनी हुई थी, वो भी खीर भी नहीं खाई, खीर तो अब लगता है शाम में ही खा पाऊंगी, खीर भी अभी नहीं खा पाऊंगी। तो जैसे का तैसे ही किचन पड़ा हुआ है पूरा, एक वीडियो के चक्कर में ना पूरा जैसे तैसे हो जाता है, इधर तो कोई साइड नहीं, तो पूरा
किचन को क्लीन करूँगी अभी नहीं, अभी मुझे पहले वीडियो को एडिट करना है, उसके बाद ही मैं कुछ करूँगी। और ये देखो इतने सारे प्लांट्स थे, सबको मैं यहाँ ला के रखती हूँ, यहाँ भी है, तो सब आराम से अब काम करूँगी। पहले वीडियो एडिट करूँगी तब मैं फ्री होकर आराम से करूँगी सब काम। खाना खा लेंगे अब तो, इसे चला सकते हैं। और आज ना मतलब 2 घंटे के लिए इसे हम नहीं चलाए, माय गॉड हालत खराब हो गई, क्योंकि ना सर्विसिंग करने के लिए आया था इसका एसी का, और बोल के गया कि 2 आवर्स नहीं चलाना है, तो आज हालत खराब हो गया। मतलब बिना एसी का 2 घंटा वो मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वीडियो ही तो बनाई हूँ ना, हॉल में बनाई हूँ, और इस बेडरूम में आज वीडियो भी नहीं बनाई, नहीं तो ना गर्मी, देखो मेरा गला भी गर्मी से ना हालत खराब हो गया। अब एसी चला सकते हो, 2 घंटा हो गया है, ज़्यादा हो गया है, बहुत हालत खराब हो जाता है रूम में। और तो गाइस मैं अभी अब मिलती हूँ आप लोगों को अपने वीडियो का एडिटिंग करने के बाद, और लंच भी मुझे करना है, तो बहुत जल्दी में हूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊँगी अभी, इसलिए बात नहीं करूँगी तो मतलब कुछ फ़ायदा ही नहीं लगता है, बात नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं अभी लंच कर दूँगी, वीडियो को एडिटिंग कर दूँगी, वीडियो को अपलोड कर दूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगी, तब तक के लिए बाय। और ये देखो मेरा ये भी मतलब जो जैसे सुबह से पड़ा हुआ है, और ये कौन लगाया, ये तो मैंने नहीं लगाई, जनाब जी लगाया होंगे, हुआ कुछ भी जगह पे नहीं है। यहाँ देखो मेरे रिंग लाइट भी यहीं पड़े हुए हैं एकदम, तो जो जैसे ही पड़ा है सुबह से, कुछ मैं नहीं करूँगी बस वीडियो के चक्कर में, क्योंकि मैं कल ना मतलब अर्जेंट काम था तो बाहर चली गई, और कल का डेट था वीडियो पब्लिश होने का, बट कल नहीं हो पाया, तो मैं अभी अर्जेंट में बनाई वीडियो, अभी एडिट करना है, अभी अपलोड करना है, माय गॉड कितना काम है। चलिए मैं आप लोगों से बाद में बातें करती हूँ, और मौसम तो हो आज मौसम अच्छा। चलिए मैं लंच कर देती हूँ, फिर बात करती हूँ आप लोगों से, बहुत ही यार मेरा पेट में चूहे जंप कर रहे हैं, तो चलिए खा लेती हूँ, एडिट कर देती हूँ, वीडियो को पब्लिश कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को 1 घंटे बाद। अभी 2 बज गए हैं, ठीक है, लंच टाइम निकल चुका है, 2 बज रहे हैं अभी, तो लंच कर लेती हूँ, उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद आप लोगों से बातें करूँगी मैं, बाय। तो गाइस सब काम खत्म करने के बाद देखिए मैं लंच वंच करके अब निकल चुकी हूँ। तो गाइस लॉन्ग ड्राइव करते करते हो गई थी शाम, और शाम हो गई थी तो हम पहुंच चुके थे कहाँ, कनॉट प्लेस। दिल्ली में जो भी रहते हैं ना उन्हें पता होगा कनॉट प्लेस का वेयर हाउस कैफे बहुत ही अच्छा है यार, तो हम मैक्सिमम यहाँ जाते हैं, और यहाँ ना शाम को बहुत अच्छा लगता है, ये सॉन्ग वॉन्ग चलते रहता है, ये लोग गाते रहते हैं, और अपना जो खाना पीना है करो, खाओ पियो, मस्ती करो, बहुत अच्छा लगता है यहाँ, तो हम मैक्सिमम यहाँ आते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। Oh,